तो अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि व्हेन नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस दे प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो चुकी है, तो हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आर का मतलब है रेट और एफ का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास N2O2 रिएक्टेंट्स हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो ये हमारे पास जो है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएंगे तो क्या होगा कि हम आर एफ इज इक्वल टू के एफ इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड वेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो रिवर्स रिएक्शन के केस में हम यहाँ से जब रिएक्शन शुरू करते हैं तो ये रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एंड जो टू है ये है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम पावर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो हमने क्या लगा दिया, के आर क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम कैसे अटेन कर सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट वी नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद जो है हमें पता है कि हमने कांस्टेंट्स को एक तरफ इक्वेशन के लिए जाना है और वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ले जाना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू एन ओ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। और के एफ ओवर के आर आपको मालूम है के सी के इक्वल होता है, और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हम एक्सप्रेशन कर चुके हैं अटेन कि हमारे पास के सी इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड रेज टू द पावर ऑफ टू, टू इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो हेयर इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। When N2 combines with 3 moles of hydrogen gas, it in a reversible reaction it produces 2 moles ऑफ अमोनिया गैस। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसका हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन डिराइव करें तो आपने कैसे डिराइव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि क्या है, नाइट्रोजन इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 3। 3 को हम कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ पावर या एक्सपोनेंट। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू के एफ, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर हम कांस्टेंट लगाएंगे जो कि क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर उसके बाद रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में अमोनिया जो है वो रिएक्टेंट होगा। तो क्या है कि हमारे पास अमोनिया जो है उसकी नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। यहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, के आर जो है वो हमारे पास रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यूज़ ये हैं जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और रिवर्स रिएक्शन की वैल्यूज़ ये हैं जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम के आर को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा के एफ ओवर के आर, और यहाँ पर N2H2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा NH3 रेज टू पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर ऑफ 3। 3 है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद जो है हमें मालूम है कि के एफ ओवर के आर या रेशो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू KC। के सी जो है उसके इक्वल हो जाएगा NH3 रेज टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर ऑफ 3। तो ये हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो इस रिएक्शन के लिए हमने डिराइव कर लिया है।